नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। वहां योगी पुलिस आजमनता कैसे सुरक्षित रहेगी जब खुद पुलिस प्रांगण में मंदिर ही सुरक्षित नहीं है। जिस पुलिस पर योगी सरकार भरोसा करके आम जनता को भरोसा दिलाने की बात कर रहे हैं, वहीं शामली पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, जिसके चलते खुद पुलिस की देखरेख में चौकी प्रांगण में ही बने मंदिर में चोरी कर ली गई। वहीं चोरों का पुलिस को खुला चैलेंज पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। दरअसल मामला थाना भवन क्षेत्र के थाना भवन कस्बे का है, जहां पर कस्बे के बीच में एक पुलिस चौकी स्थित है। वही पुलिस चौकी प्रांगण में श्री सनातन शिव मंदिर भी स्थापित है, जिसमें लोग आस्था रखते हुए पूजा अर्चना भी करते हैं। वहीं बीती रात चोरों ने पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए चौकी प्रांगण के अंदर बने शिव मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी करते समय चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ करते हुए मंदिर में रखे दानपात्र को भी तोड़ दिया और सब सामान चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस प्रांगण में बने मंदिर में हुई चोरी से आम जनता में काफी रोष है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पुलिस कैसे आम जनता को सुरक्षा दिला सकती है जो पुलिस प्रांगण में बने शिव मंदिर को ही सुरक्षित नहीं रख पाई। वहीं थाना भवन के व्यापारियों ने पुलिस की लापरवाही पर हंगामा करते हुए बाजार बंद भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह व्यापारियों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पुलिस प्रांगण में बने मंदिर के साथ चोर यह घटना कर सकते हैं तो आम जनता और व्यापारियों को कैसे पुलिस सुरक्षा का भरोसा दिला सकती है। आज मुझे भी सूचना मिली, आगे देखा मंदिर में संघ वगैरह सारी चीजें टूटी भी है, भी टूटे गए। अरे पुलिस सही तरह में चौंकी आया, जबकि पुलिस चौंकी थी खाने बन के 20,000 में। जब अगर यही सुरक्षित ही रह सकती तो कस्बे का कौन सा पूरा सुरक्षित रहेगा? इसमें तो पुलिस की जो है निश्चित है ना, गश्ते है कस्बे में। इसलिए पिछले में कई बार यहाँ छोटे छोटे बवाल हुए हैं, उनको लेकर आज यहाँ मंदिर में भी किया गया इस तरह का कारण, और कई बार मांग रखी गई अभी पूरी नहीं की पुलिस प्रशासन। जब तक जबकि पुलिस चौकी की चार दीवारी नहीं होने की, दूसरी तरफ से आदमी ऊपर आदमी नहीं आने का, सारे दिन चौकी में जाए लसेटी आदमी बैठे रहे, यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हो यहाँ रोजाना, कल भी चोरी हुई यहाँ पे। ये तो जब तक पुलिस इसकी देखभाल नहीं करने की, गश्त नहीं बढ़ाई जाने की, जब तक कस्बे में इसी तरह चोरी होती रहेगी। सुबह आए मंदिर में तो दीवार पर टूटी हुई थी और देखा तो बैठा भी चोरी है, गला भी तोड़ा है, और वो मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति को तो बारे में पता नहीं, पर हनुमान जी के मूर्ति का शीशा तोड़ के उसमें 70 से निकाल लिए। बराबर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं या भगवान शिव का वो नाग देवता ऐसा टूटा पड़ा था, सब सामान बिखरा पड़ा था, और जो कैमरा लगा हुआ था उसे तोड़ रखा था। मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ इधर भीतर हुआ, पीछे जो संदूक पड़े थे उनमें भी सामान था, वो भी निकाल ले गए। ये मंदिर व्यापारियों के साथ साथ सबसे पहले पुलिस ने बनवाया था और इसमें चोरी हुई है, सही बात है, चोरी हुई है, उसको यथाशीघ्र वर्कआउट करके अभियोग पंजीकृत करके वर्कआउट करके कार्रवाई की। मैं ऐसा है कि सुबह जब भगजन आए तो उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे पीछे का जंगला टूटा हुआ है, तो हम लोगों ने आके देखा जंगला टूट रहा था, अंदर से जो मंदिर का गर्भगृह का ताला था वो भी टूटा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज के लिए कैमरा लगा हुआ था वो भी टूटा हुआ था, अंदर गई तो वहाँ पर बैटरी नहीं थी, और हनुमान जी भी के सामने जो शीशा वगैरह थे सब टूटते हुए थे, वहाँ पैसे निकाल लिए थे, और गल्ला जो दान पात्र का रखा है वो भी टूटा हुआ था पूरी तरह से, और जो जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था होती है वो खंडित की हुई थी, वो जिसका कलश रखते हैं वो सब खंडित की हुई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मूर्ति में कोई तोड़फोड़ यहाँ मूर्ति में कोई तोड़फोड़ हल्का हल्का निशान है, देख रहे ना होने के बाद सही आकलन होगा मूर्ति, तो मंदिर को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है थोड़ी मूर्ति, हाँ नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ये थाना भवन की चौकी है, उसी परिसर में एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में आज सवेरे उसका मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ मिला, अंदर कुछ पैसे थे वो भी वहाँ से गायब थे, भी दान पेटी का थी उसमें जो पैसे थे वो गायब थे। चूँकि चौकी परिसर में ही ये मंदिर पड़ता है तो वहाँ चौकी प्रभारी ने ही अपनी तहरीर पे वहाँ मुकदमा कायम करा लिया है, और थाना भवन को ये बता दिया गया है कि आप जल्द से जल्द ये पता करें कि ये किसकी करतूत थी और जो भी इसमें शामिल है उसको गिरफ्तार।